आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट अभी तक आपने सिर्फ फिल्मों में देखे होंगे जो इंसानी कल्पना का हिस्सा थे, लेकिन अब ये रोबोट सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत का हिस्सा है। जी हाँ, ऐसे ही लंदन की एक लैब में दुनिया की सबसे एडवांस रोबोट एमिका को बनाया गया है। ह्यूमन और रोबोटिक की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। रोबोट एमिका के चेहरे पर 22 से ज्यादा सेंसर है, इन्हें कस्टम एक्चुएटर्स कहा जाता है। इसकी मदद से एमिका चेहरे के हाव भाव को इंसानों के जैसे बनाने में सक्षम है। सबसे अहम फीचर यह है कि एमिका को अपनी पर्सनल स्पेस के बारे में भी पता है। आपको बता दें कि इस रोबोट को मशहूर फिल्म अभिनेता विल स्मिथ के ब्लॉकबस्टर फिल्म रोबोट की तरह ही निर्माण किया गया है। हालांकि कार्नवाल में स्थित इंजीनियर आर्ट्स ने यह खुलासा नहीं किया है कि रोबोट को बनाने में कितना खर्च आता है, क्योंकि अभी भी इस रोबोट का निर्माण चल ही रहा है और इसका डेवलपमेंट जारी है। आपको बता दें कि रोबोट बनाने वाले इंजीनियर आर्ट्स का गठन 2005 में हुआ था और इसके द्वारा बनाए गए पहले रोबोट का नाम थेस्पियन था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंजीनियर आर्ट्स की तरफ से कहा गया है कि रोबोट अमेका प्रतिक्रिया करता है और वो अपने बारे में सक्षम रहा है, और अगर कोई उसके प्राइवेट स्थानों को छूने की कोशिश करेगा तो अमेका प्रतिक्रिया देगा। जिस वीडियो क्लिप को शेयर किया गया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स रोबोट के नाक को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही रोबोट के चेहरे के पास उस आदमी का हाथ जाता है, रोबोट उसके हाथ को पकड़ लेता है। आपको बता दें कि कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि भविष्य की रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के लिए एक मंच के तौर पर खास तौर पर इसे डिजाइन किया गया है, और रोबोट अमेका इंसानों से बातचीत करने में पूरी तरह से सक्षम है और यह ह्यूमनॉइड रोबोट प्लेटफॉर्म है। कंपनी ने कहा है कि हम आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो विश्वसनीय, मॉड्यूलर, अपग्रेड करने योग्य और विकसित करने में आसान है। आपको ये भी बताते चलें कि रोबोट को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, आइए इसे जानते हैं। सोशल मीडिया पर इस रोबोट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोगों का कहना है कि इस रोबोट का डिजाइन अति सुंदर है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई जाति नहीं है और इसका कोई लिंग नहीं है। इस रोबोट को उसकी कल्पना पर छोड़ देना चाहिए। लोगों का कहना है कि ये रोबोट देखने में बिल्कुल डरावना नहीं है और इसे देखने के बाद लोगों को खुशी मिलती है। वहीं एक अन्य यूजर ने ये लिखा है कि यह आश्चर्यजनक है कि कैसे यह बेहद छोटी छोटी चीजें जैसे पलक झपकाना और चेहरे पर एक्सप्रेशंस बनाना शुरू कर चुका है, जैसे कोई जिंदा इंसान करता है। आपको ये बता दें कि 2023 तक दुनिया में मानव चेहरे वाले रोबोट का बाजार में क्या संभावना है, इसको लेकर के आइए जान लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एमिका ह्यूमनॉइड के विकास के एक नए दौर की शुरुआत साबित होगा। सन 2023 तक मानव के चेहरे वाले रोबोट का बाजार बढ़ने की संभावना है। मानव चेहरे वाले ऐसे रोबोट जिन्हें ह्यूमनॉइड कहा जाता है, वे मॉल, होटल और एयरपोर्ट पर काम करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मशीन रोबोट जैसे एटीएम, टिकट चेकिंग जैसी जगहों पर लोगों को सब कुछ यांत्रिक सा लगता है। कंपनियां लोगों और उपभोक्ताओं के साथ बेहतर कनेक्ट के लिए ह्यूमनॉइड का इस्तेमाल कर सकेंगी। आपको ये भी बता दें कि इंजीनियर आर्ट्स ने एक रोबोटिक हेड भी तैयार किया है, जी हाँ, जिसे एड्रॉन के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें 22 कस्टम एक्यूएटर हैं, जो इसे इंसानों की तरह अपनी आंखों और चेहरे से एक्सप्रेशन देने लायक बनाता है। एड्रॉन वह रोबोट है जिसे इंजीनियर आर्ट्स मेस्मर के रूप में बताता है और इस रोबोट को पूरी तरह से इंसानों जैसा ही बनाने की कोशिश की जा रही है, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ देखने में सुंदर और प्रभावी लग सके। कॉर्नवाल स्थित कंपनी के अनुसार मेस्मर रोबोट मानवीय भावनाओं की एक विशाल श्रृंखला प्रदर्शित कर सकते हैं और किसी की तरह देखने के लिए बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि पूर्व में ऐसे कौन कौन से रोबोट रहे हैं जिन्होंने ऐसा ही कुछ कमाल किया है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि सोफिया रोबोट ने अक्टूबर सन 2017 में इतिहास रच दिया था जब वह कानूनी रूप से सऊदी अरब का नागरिक बन गया। सोफिया को सबसे पहली बार 2016 में एक इंसानी चेहरे के साथ एक सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन जैसे सिर के साथ डिजाइन किया गया था, जो पलक झपकने, एक तरफ से दूसरी तरफ देखने और बात करने में सक्षम थी। हांगकांग की फर्म हेनरसन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया ह्यूमनाइड रोबोट चैट कर सकता है, शरारत से मुस्कुरा सकता है और जोक्स भी सुनाने में सक्षम है। इस रोबोट की इन क्षमताओं के कारण इसे सन 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता दी गई थी और ये रोबोट विश्व का पहला ऐसा रोबोट बना था जिसे किसी देश में कानूनी नागरिकता दी गई हो। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है, अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।